जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों हमें फिलहाल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में ब्रिटिशर्स के ज़माने का बना हुआ यूनेस्को हेरिटेज रेलवे स्टेशन है, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। आज की अपनी जर्नी यहीं पर होने वाली है और हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं CST से लखनऊ के बीच में चलने वाली डेली ट्रेन पुष्पक एक्सप्रेस में। ये देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है विक्टोरिया टर्मिनस यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन को। और बाहर भी जाएंगे तो एक तरफ आपको यहाँ पे लोकल ट्रेन्स मिल जाएंगी और हम लोग जा रहे हैं अभी जहाँ पे हमारी एक्सप्रेस ट्रेन्स होती हैं उस प्लेटफॉर्म की ओर। देखिए कैसे कलर से इसे खूबसूरती से सजाया गया है। पुष्पक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 15 से जाती है CST के। और मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें केवल दो ही जनरल के कोच मैंने देखे और स्लीपर के कोचेस की बात की जाए तो 5 हैं और AC के कोचेस में 12 कोच लगाए गए हैं, जिसमें से एक 1 AC का कोच, 2 2-टायर, 2 3 AC इकोनॉमी एंड 7 3-टायर के कोचेस। भाई इतनी ज़रूरत है इस रूट में 3 AC के कोचेस की और आज हम लोग इसके से 3 टायर में ट्रैवल करें। जल्दी से चलते हैं, 15 मिनट बचे हैं ट्रेन के डिपार्चर में। 8:25 ट्रेन यहाँ से खुलती है, बोर्ड किया जाए, सामान वगैरह रखा जाए और जर्नी को शुरू किया जाए। तो यहाँ पे काफ़ी साफ़ सुथरी लग रही है और ये है अपनी सीट, चार्जिंग सर्किट वगैरह दिए गए हैं तीनों साइड पैसेंजर्स के लिए और यहाँ पर पेट्रोल वगैरह भी मिलना शुरू हो चुका है। चलो मिलते हैं डिपार्चर पे। ऐसे भी ब्लॉग वाले सौरभ भाई, बाय बाय। तो यहाँ पे आज ट्रेन को 5 मिनट का डिले हो गया क्योंकि आगे उद्यान एक्सप्रेस निकल रही थी। और यहाँ पे मुंबई की जान लोकल ट्रेन्स को तो आप देख ही सकते हैं। ट्रेन देखने में एक AC एक्सप्रेस लगती है क्योंकि आगे के 12 कोचेस तो भाई AC के ही हैं और पीछे अपना पेंट्री कार भी एक AC और बस 7 या 8 कोच बचते हैं जो कि नॉन AC कोचेस इस ट्रेन में। ये जो कुछ नज़ारे आप अभी देख रहे हैं ये पॉसिबल हो पाते हैं केवल मॉनसून में। नॉन मॉनसून सीजन में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको केवल ब्राउन ज़मीन ही देखने को मिलेगी, वैसे अभी बहुत ही हरियाली है। इसी के साथ ये है हमारी ट्रेन के बैंकर लोकोमोटिव जो कसारा रेलवे स्टेशन में इंतज़ार कर रहे हैं कब हमारी ट्रेन पहुँचे और ये आगे इसे सफ़र में मदद कर सकें। इसी के साथ देखते ही देखते पहुँच गए हम लोग कसारा रेलवे स्टेशन। बहुत सारे वेंडर्स यहाँ पर रेडी हैं क्योंकि ये इस रूट की डेली ट्रेन है। पे ट्रेन में बैंकर लोकोमोटिव लगाए जाते हैं क्योंकि इसके आगे जो घाट सेक्शन लेकर पूरी तक काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। यहाँ पे आपको पीछे बहुत सारे बैंकर लोकोमोटिव भी लाइन से दिख रहे होंगे और मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, जल्दी से चलते हैं, इसके बाद ट्रेन अपने सफर में बढ़ेगी। पोर्ट को यूज़ करिए और 1 मिनट को एंजॉय कीजिए। इसी के साथ 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग निकल चुके हैं अभी कसारा रेलवे स्टेशन से। बहुत ही खूबसूरत सी नदी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी है। जिन बैंकर लोकोमोटिव्स की मैं बात कर रहा था वो हमारी ट्रेन में अटैच हो चुके हैं। आप पीछे की तरफ देख सकते हैं 3 लोकोमोटिव इस ट्रेन को खड़ी चढ़ाई में पुश कर रहे हैं और ये जो नज़ारे हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं। जैसे जैसे हम इस सफ़र में आगे बढ़ते जाएंगे ये नज़ारे और भी सुंदर होते जाएंगे। वैसे कभी अगर आप लोगों ने इस रूट में ट्रैवल किया है तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें।
काफ़ी दूर तक आपको ट्रैक जाते हुए देखेंगे, वो देखिए ऊपर तक। शिरडी एक्सप्रेस, शिरडी दादर। अगरपुरी में इडली वड़ा काफ़ी अच्छा मिलता है नॉर्मली, आज यहाँ पे बिरयानी और वड़ा पाव वगैरह जैसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट लंच टाइम हो चुका है, 11 बजे हम लोग पहुँचे अगरपुरी। नॉर्मली ब्रेकफास्ट में यहाँ पे इडली वड़ा, साथ में नॉर्मल हमारे मुंबई किसान वड़ा पाव तो मिलता ही है, खैर महाराष्ट्र किसान आप उसे कह सकते हो, तो जो चीज़ आपको पसंद लगे वो ट्राई कर सकते हो। वैसे इडली वड़ा मैंने पिछली बार सेवाग्राम एक्सप्रेस की जर्नी में ट्राई किया था, वो काफ़ी सही था, आज वड़ा पाव ट्राई करेंगे तो भाई यहाँ से लिया जाए, देखते हैं स्वाद कैसा है उसका। बिल्कुल गर्म गर्म निकले हुए वड़ा पाव अपने को मिल गए हैं पुष्पक एक्सप्रेस की जर्नी में, एकदम गर्म है, बस ये निकल ही रहे थे तो मैंने यही कैंटीन से ले लिया, बाजू में आपको कैंटीन भी मिल जाएगी, ऐसी दो कैंटीन है यहाँ पे। हमारे श्रेयांश भाई भी कुछ लेके आए, क्या लेके आए भाई? इडली वड़ा और खीरा। श्रेयांश भाई हेल्दी ऑप्शन चूज़ कर रहे हो, मैं अनहेल्दी चीज़ आपको ट्राई करवाऊँगा आज। मेरे को ऐसा पर्सनली वड़ा पाव काफ़ी ज़्यादा पसंद है, रेलवे स्टेशन के हिसाब से देखा जाए तो 10/10 रेटिंग देना चाहूँगा, ऐसे हमें नॉर्मल सिटीज़ में भी मिलता है, स्वाद काफ़ी अच्छा है और ये आपको 20 रुपये में दो मिल जाएंगे, भाई आपको बताना उस हिसाब से वर्थ है कि नहीं। जल्दी से फिनिश करता हूँ, डिपार्चर होने वाला है, यहाँ पे कोई हमारा रेगुलर हॉल्ट नहीं है, केवल टेक्निकल हॉल्ट है कसारो और इगतपुरी, यहाँ से आपको टिकट नहीं मिल पाएगी, टिकट आपको कल्याण के बाद सीधा नासिक से मिलेगी।
तरह निकल चुके हम लोग इगतपुरी से। वैसे खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे इतनी ज़्यादा देख ली ना वैरायटी मैंने। स्टेशन भाई काफ़ी प्यारा लग रहा है। यहाँ पे अगर बैठ के पूरा दिन भी बिताना पड़े तो आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, और साथ में साथ ये स्टेशन भी काफ़ी सही है। धरणी रिवर के साइड साइड चल रही है और रिवर एकदम ओवरफ्लोइंग कंडीशन में। दोस्तों तो यहाँ पर अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है नासिक रोड रेलवे स्टेशन। तो हमारी ट्रेन का अराइवल यहाँ पे 11:42 का था, पर 8 मिनट के डिले के साथ पहुंचे हैं। नासिक से गोदावरी माता का उद्गम होता है, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको हर 12 साल में कुंभ मेला भी देखने को मिलेगा। नासिक एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर है, महाराष्ट्र के 4 सबसे प्रगतिशील शहरों में से आता है नासिक, और यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप 100 बुकिंग रेलवे स्टेशन के लिस्ट में भी नासिक का नाम देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन पार्लर भी है स्टेशन में, बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए। खैर मिलता हूँ आप लोगों से डिपार्चर पे। यहाँ से हम लोगों ने अनारदाने वगैरह ले लिए क्योंकि भाई आज मन कर रहा है लाइट लाइट चीज़ें खाने का, बाद में ट्रेन के खाने का भी रिव्यू करेंगे। थैंक यू भैया। यहाँ पे नासिक पे आपको नासिक की किशमिश भी मिल जाएगी, मुझे कुछ ऐसी दिखती है। खैर मैं फल वगैरह तो काफ़ी ले चुका हूँ यहाँ से, अनारदाने ले लिए हम लोगों ने, केले वगैरह ले लिए, और ट्रेन भी अपनी अब निकल चुकी है नासिक से। सामने से पुणे और शिरडी से आने वाली जो लाइन है वो आ रही है, और हम लोग पहुंच रहे हैं अभी मनमाड़ जंक्शन। यही लाइन आगे शिरडी की ओर जाती है, दौंड होते हुए सोलापुर और पुणे के लिए भी निकल जाती है। यहाँ अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है मनमाड़ जंक्शन, और सामने खड़ी है हुबली बनारस एक्सप्रेस। हर समय से 5 मिनट पहले हम लोग मनमाड़ जंक्शन पहुँच चुके हैं। 12:42 पे यहाँ पे अराइवल टाइम था। आप लोगों ने अराइवल पे ही देखा इसे जंक्शन क्यों कहते हैं। वैसे एक और लाइन यहाँ से जाती है औरंगाबाद की ओर, वही आगे चल के पूर्णा नांदेड़ की ओर भी निकल जाती है। वैसे मैं बता दूँ आप लोग को एक अनोखी चीज़, एशिया की सबसे बड़ी फूड ग्रेन की जो वेयर हाउस है वो मनमाड़ में ही है, पूरे एशिया की सबसे बड़ी। ये किस्मत की बात है कि हम लोग इतने खूबसूरत भारत में जहाँ पे ऐसी नई अनोखी चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। चलिए मिलता हूँ आप लोगों से, जब डिपार्चर होगा अपने ऐसे। मैं स्टेशन में आपको पिस्ता काजू और काफ़ी ड्राई फ्रूट आइटम भी मिल रहा है। यहाँ पे मैं भेलपुरी के मज़े ले ही रहा था कि अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है मनमाड़ जंक्शन से, और हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं हुबली बनारस एक्सप्रेस को। एक सबसे अच्छी बात ये लगी कि स्टेशन में आपको काजू किशमिश ऐसी अंजीर भी, इनफैक्ट मैंने देखा स्टेशन में पिस्ता, ये सभी चीज़ें मिल रही हैं। खैर हाँ स्टेशन की बात है, थोड़ा महंगा होगा बाहर से, लेकिन अगर सभी चीज़ें आपको प्लेटफॉर्म में मिल रही हैं तो क्या बुराई, हेल्दी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। मुझे लंच वगैरह ज़्यादा अच्छा तो बिल्कुल इस टाइप का आइटम लाइट आइटम अच्छे लगते, तो मैं तो भाई उसी को इन्जॉय कर रहा हूँ। और यहाँ बारिश भी शुरू हो चुकी है हमारे मनमाड़ से निकलते निकलते। दोस्तों यहाँ पे लाइन आ रही है सूरत की तरफ से उतना जंक्शन से, और हम लोग स्किप करने वाले हैं अभी जलगांव रेलवे स्टेशन। जलगांव जंक्शन पे पुष्पक का स्टॉप नहीं है क्योंकि हमारी पुष्पक सीधा भुसावल रेलवे स्टेशन जाकर रुकेगी।
भुसावल पहुँचते पहुँचते ट्रेन में कुछ ऐसा हुआ कि आरपीएफ को भी ट्रेन में पहुँचना पड़ा। खैर डेरी ट्रेन है, मशहूर ट्रेन है, तो लाजमी है, सिक्योरिटी ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक हुई थी इस जर्नी में। तो आने वाले पार्ट में इस जर्नी के आप लोग देखेंगे क्या हुआ था। बाकी कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि क्या हो सकता है इस ट्रेन के साथ, जिन लोगों ने इस ट्रेन में कभी ट्रैवल किया है। हमारी पुष्पक एक्सप्रेस की जर्नी के पार्ट टू में मिलूंगा, जहां आप लोग भुसावल से लखनऊ तक की पूरी जर्नी को देखेंगे। पार्ट वन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। और हाँ भाई, नज़ारे और रूट्स तो दिखाएंगे ही, क्योंकि चैनल ही आप ही लोग के प्यार से चल रहा है। तो नज़ारे इस पार्ट में देखिए, बाकी की जानकारी आपको आने वाले वीडियोज़ में मिलेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्दी ही इस जर्नी के पार्ट टू में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों। Varanasi, move only to the terminus.